अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और मैं हूं आजिल हसनात। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। इगवा बराए तावान, अंधे कत्ल और संगीन जराइम की दीगर वारदातों के मुलजमान की सरकोबी करने वाली पुलिस टीमों की हौसला अफजाई। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने रावलपिंडी रीजन की 9 पुलिस टीमों को कैश इनामात और तारीफी असनाद से नवाजा। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस मुलाजमीन और इनके अहले खाना से मुलाकात। आईजी पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन और फैमिलीज की पेशकर्दा दरख्वास्तें सुनकर रिलीफ बारे अहकाम जारी किए। पंजाब भर से गुजशत 24 घंटों में पुकार 15 सेंटर में 81,789 एमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई। 5,644 कॉल्स पर बर वक्त रिस्पॉन्ड किया गया, जबकि 60,542 कॉल्स गैर जरूरी करार दी गई। गुजशत 24 घंटों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 5,011 इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी किए गए। वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसरान ने कैमरों की मदद से 971 मशकूक सरगर्मियों की ऑब्जर्वेशन दी। थाना सिटी बक्कर पुलिस का मनशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग। बदनामे जमाना मनशियात फरोश शहबाज गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से 60 लीटर देसी शराब और 40 लीटर लहन बरामद। थाना महाबुशरा मियांवाले पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कमसिन बच्चे से ज्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा भी दर्ज। पंजाब पुलिस का बिछड़ों को अपनों से मिलवाने का सिलसिला जारी। थाना मंडी अहमदाबाद उकाड़ा पुलिस ने 4 साल मुनीब अहमद को मुसलसल मेहनत से बाहिफाजत तलाश करके वालिद के हवाले कर दिया। वालिद की जानिब से उकाड़ा पुलिस का शुक्रिया। शाबाश लाहौर पुलिस, शाबाश लियाकताबाद पुलिस ने गुमशुदा बुजुर्ग खातून को तलाश करके गम से निढाल बेटे से मिलवा दिया। वालिदा के मिलने पर बेटा पंजाब पुलिस का मशकूर। इगवा बराए तावान, अंधे कत्ल और संगीन जराइम की दीगर वारदातों के मुलजमान की सरकोबी करने वाले पुलिस टीमों की हौसला अफजाई। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने रावलपिंडी रीजन की 9 पुलिस टीमों को कैश इनामात और तारीफी असनाद से नवाजा। जिला रावलपिंडी की 6, जेलम की 2 और चकवाल की 1 पुलिस टीम को इजाजात से नवाजा गया। इस मौके पर आईजी पंजाब का कहना था कि पंजाब पुलिस आला तालीम याफ्ता अफसरान और जवानों पर मुश्तमिल बेहतरीन प्रोफेशनल फोर्स है। इस साल 195 पुलिस जवान डकैतियों, मनशात फरोशों और बदमाशों से मुकाबलों में जख्मी हुए। सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स का दायरा कर पंजाब के तमाम अजला तक फैला रहे हैं। रवा बर्स फोर्स की वेलफेयर पर 350 करोड़ रुपये, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और सेफ सिटी पर खतीर रकम खर्च की जाएगी। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस मुलाजमीन और इनके अहले खाना से मुलाकात। आईजी पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन और फैमिलीज़ की पेशकर्दा दरख्वास्तें सुनकर रिलीफ बारे अहकाम जारी किए। आईजी पंजाब ने एसपी रशीद अहमद रिटायर्ड के बेटे, इंस्पेक्टर मोहम्मद शाहिद नज़ीर, इंस्पेक्टर मोहम्मद अकबर, सब इंस्पेक्टर इमरान शहजाद, एएसआई मुमताज़ अहमद, एएसआई अता मोहम्मद शहीद की अहलिया, हेड कांस्टेबल मुदस्सिर नज़ीर और ट्रैफिक पुलिस के असिस्टेंट मुश्ताक अहमद की दरख्वास्तों पर रिलीफ फराहम करने के अहकाम जारी किए। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोक रेडार के मुताबिक आज मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रिकॉर्ड किया गया है, जानिए इस रिपोर्ट में। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोक रेडार के मुताबिक इस वक्त मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 98 है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो माल रोड 135, पंजाब यूनिवर्सिटी 122 और सेफ सिटीज अथॉरिटी में 130 रिकॉर्ड किया गया। बिलाशुबा स्मोक मुख्तलिफ अमराज का बाइस बन रही है, जिससे बचने के लिए हमें माहिरीन सेहत की इन एडवाइस पर अमल करना होगा। सुबह वॉक पे जाने वाले शहरी स्मोक से बचाव के लिए अपनी रूटीन में तब्दीली लाएं। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क और चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। दिल या दमे के मरीज, बूढ़े अफराद और बच्चों को स्मोक से बचाव के लिए ज्यादा एहतियात करें। रोजमर्रा रूटीन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। घर में सफाई के लिए पानी और गीला कपड़ा जरूर इस्तेमाल करें और कूड़े को हरगिज आग ना लगाएं। ये स्मोक में इजाफे की सबसे बड़ी वजह है। आइए हम सब मिलकर अपने माहौल को साफ रखें और स्मोक फैलाने वालों की इत्तला 15 पे दें। साफ माहौल, महफूज लाहौर। घर की जन्नत वापस घर लौट आई। लाहौर लियाकताबाद पुलिस ने गुमशुदा बुजुर्ग खातून को तलाश करके गम से निढाल बेटे से मिलवा दिया। बेटे के पंजाब पुलिस के लिए क्या तासुरात थे, देखिए इस खसूसी वीडियो में। मैं पंजाब पुलिस का शुक्र गुजार हूँ कि आज ये रहना, जितना मैं परेशान सी, जिस तरह मेरी कैफियत सी, वो मैं ही जान सकता। मेरी वालदा गुम हो गए सन, मैं मुसलसल कुछ 6 घंटे तो लगातार लभ रहा सी और मैं थाने आकर रिपोर्ट भी की है। तकरीबन कुछ 2-2.5 घंटे बाद जरा मैनू फोन आया कि थोड़ी वालदा मिल गई है। मैं बहुत बहुत शुक्र गुजार हाँ पंजाब पुलिस का और खासकर लियाकताबाद थाने का, आसिफ साहब का, बकाया जो स्टाफ है सब का मैं शुक्र गुजार हाँ कि अल्लाह ताला तुहानू जिंदगी देवे, तुसी मेरी वालदा नू मिला लिया।
ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी और पंजाब पुलिस के सोशल मीडिया पेजेस।